नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव होता है और कहीं ना कहीं इस चुनाव से केंद्र की जो सीढ़ी है वो भी तय की जाती है कि अब आने वाले चुनाव में केंद्र की राजनीति किस करवट बैठेगी। इस बार का जो भी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो भी काफी अहम है और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये कोशिश करनी शुरू कर दी है कि आखिर इस बार ये वोट की चोट कैसे करी जाए, कैसे इस बार जो जनता नाराज है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको अपने पाले में खींचा जाए। इसमें लगातार विपक्षी दल जो है वो लग चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा सत्ता दल का पूरा प्रयास यही है कि जो जनता हमारे साथ बीते चुनाव में थी, जो जनता हमारे साथ लोकसभा चुनाव में थी, वो इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इनके साथ रहेगी, ऐसा उनका दावा है। 4.5 साल सरकार ने अपने जो पूरे किए हैं उसको लेकर बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई। हालांकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने अपने 6 महीने का लेखा जोखा दिया हो, क्योंकि इसके पहले किसी भी सरकार ने ये 5.5 और 7 वाला जो फॉर्मूला था वो नहीं अपनाया था। बीजेपी ने पहली बार इस फॉर्मूले को अपनाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो केंद्र के नेता है वो भी उत्तर प्रदेश में अब डेरा जमाना शुरू कर चुके हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचना हुआ है और कई सारे जो कार्यक्रम है उनके राजनीतिक वो लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि बूथ को मजबूत किया जाए, पत्रक वितरण जो है उनका वो कराया जाए, राशन और भाषण लगातार उनका जारी है और 4.5 साल की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता तक पहुंचाई जाए। दूसरी तरह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तरह से लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है जब वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ना जा रहे हों, वो दौरे ना कर रहे हों और दौरों के बाद वो शिलान्यास लोकार्पण ना कर रहे हों और इस दौरान वो विपक्षियों पर सवाल ना खड़े कर रहे हों, चाहे वो अब्बा जान की बात हो जाए या फिर बुलडोजर की बात हो जाए। इस तरह के जो बयान है लगातार कोशिश यही है कि दिए जाए राजनीतिक मंचों से और प्रयास यही है कि राजनीतिक जो पारा है उसे और बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर विपक्षियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है, व्यापारी सम्मेलन किया है, दलित संवाद सम्मेलन वो कर रहे हैं और संवाद से समाधान ढूंढने का प्रयास भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। महंगाई, रोजगार, बिजली, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर विपक्षी दल कहीं ना कहीं शांत दिख रहे हैं, किसी की भी बात कर ली जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। सपा ने भी कह दिया है और आम आदमी पार्टी ने भी इस बात को कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं उत्तर प्रदेश में तो 300 यूनिट बिजली जो है वो हम जनता को मुफ्त में दे देंगे। कैसे देंगे ये समझ नहीं आता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है वो एक बड़े घाटे में इस वक्त चल रहा है। जितना वो टर्नओवर अपना कमाते हैं साल का, उससे ज्यादा उनका जो नुकसान है वो है और इस नुकसान को कहीं ना कहीं सरकार बहुत मुश्किल से भर पा रही है। दूसरी चीज यह है कि अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है तो करीब उत्तर प्रदेश का 2.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिजली का बिल नहीं देंगे, अगर वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाते हैं तो। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से चाणक्य विचार सम्मेलन भी किया जाएगा। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रतिज्ञा यात्रा उनकी निकाली जाने वाली है और बताया जा रहा है कि 12,000 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। बसपा का ब्राह्मण प्रेम जागा हुआ है, सबको पता है। इन सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं अपनी जो शुरुआत थी वो अयोध्या से करी थी, तो कहीं ना कहीं इसको धार्मिक रूप से भी देखा जा रहा है कि अयोध्या से ही आखिर ये राजनीतिक जो दौरे हैं वो क्यों शुरू किए गए, चाहे वो बसपा की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें या फिर सपा की बात कर लें या फिर अन्य राजनीतिक दलों की भी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे को किसी भी तरह से पतली गली से इस बार राजनीतिक चुनाव में, राजनीतिक गलियारों में लाया जाए और उत्तर प्रदेश की जो जमीन है उसको मजबूत किया जाए। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कितनी तैयारियों में राजनीतिक दल हैं, किस तरह से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं। एक आज की डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और कुछ बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2022 की विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 5 महीने का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से संघर्ष शुरू कर दिया है। कोई जातीय सम्मेलन कर रहा है तो कोई धर्म की राजनीति को साधने में जुटा है, वहीं कोई जनता के दरवाजे पर अपने विकास कार्यों का बखान कर रहा है। बसपा का शुरू किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सबको गहरी नींद से जगा गया।
जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से जनादेश यात्रा तक निकालना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा के जरिए वोटर्स को साधने में जुट गई है। पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी दौरा ये बता गया कि कांग्रेस ये बात समझ गई है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बिना जमीन बनाए विधानसभा तो दूर, 2024 में लोकसभा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं कुछ दल जो यूपी की राजनीति के छोटे खिलाड़ी हैं, वो बड़ा कारनामा दिखाने को तैयार बैठे हैं और लगातार गठबंधन का वो रास्ता बनाना चाह रहे हैं जिस पर हाल फिलहाल चलने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। संघर्ष सिर्फ यात्राओं के जरिए ही नहीं बल्कि मुंहजुबानी भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जनता को 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया, तो वहीं सपा ने भी इस तरह का वादा किया है, लेकिन बीजेपी जनता की नब्ज लगातार पकड़ती जा रही है। इसी के चलते बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चलाकर अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है उससे लगता है कि चुनाव में एक धड़ा ये भी है। जो भी हो, लेकिन राजनीतिक दल जिस तरह से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं उससे यही पता चलता है कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, जुड़े हुए हमारे साथ और पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा विनय पटेल हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अब्बास हैदर हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये आप लोग जो दिल्ली वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं हर बार हर चुनाव में, चाहे किसी भी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है, जिन्हें राजनीतिक दलों के पास दिल्ली के नेता नहीं है वो क्या करें? उत्तर प्रदेश की जो ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास दिल्ली के नेता नहीं है वो क्या करेंगी भाई? आप लोग ये दिल्ली का फॉर्मूला क्यों उठाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के जो नेता आप लोगों के पास हैं उनमें आप लोगों को कोई कैपेसिटी नहीं दिखती है? कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ कुछ मेहनत करके ये लोग कुछ कर सकते हैं? देखिए, अब आपने पूछा कि आप लोग दिल्ली के लोगों को क्यों उठा लेते हैं, तो आपने कैसे कहा ये लोग क्या करें? तो भाई हम लोग क्या करें जो हम लोगों के पास इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतने नेता हैं, और आज फेडरल स्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश भी एक भारत सरकार का ही एक अंग है, भारत गणराज्य का ही एक अंग है, और गोवा भी भारत गणराज्य का अंग। तो हम लोग, हमारे पास जितने नेता है उनको काम पर तो लगाना ही लगाना है, उनको तो काम पर भेजना ही भेजना है। एक से एक अपने अपने फन में माहिर दक्ष लोग हैं जो जाते हैं संगठन पर, जिनकी मजबूत पकड़ होती है, तो ये हमारा सिस्टम रहता है। क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अच्छा, तो इनके पास कोई क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के ही नेता होंगे जो, अब देखिए जैसे कलकत्ता का उदाहरण लीजिए, कलकत्ता में समाजवादी पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ा, बंगाल में मतलब, लेकिन जया बच्चन जी वहां चुनाव प्रचार करने गई, वो राज्यसभा सांसद हैं। तो जिसके पास जो नेता जहां होगा वहां भेजेगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो आपके क्या उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उनके पास इतना पावर नहीं है, या उनके पास उन्होंने इतना काम नहीं किया कि वो जनता के बीच जाएं जवाब देने? आपको दिल्ली से इम्पोर्ट करना पड़ा? इसका अर्थ आप लोग गलत क्यों लगाते हैं? मैं नहीं लगा रहा हूं सर, विपक्षी भी यही बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, कोई भी विपक्षी भी लगाए जो हाँ। मैं अगर आपने सवाल पूछा तो मैं आपके माध्यम से जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश या राजधानी के या फिर अन्य जिलों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में जो विधानसभा का जो नेता होगा वही बता सकता है, या फिर सरकार का जो नुमाइंदा होगा वही बता सकता है, या केंद्र का कोई बता सकता है जब उससे सवाल पूछे जाएंगे? देखिए अभी
अभी फिर से इसका इसको एक बार अपनी बातों को आपको मैं रीस्ट्रक्चरिंग करता हूं, जो हमारे नेता आए हुए हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए या सरोज पांडे जी आए हुए हैं या अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं, इन लोगों को गांव उसमें जाकर ये जनसभा करते हैं, ये बड़े नेता हैं, समस्याएं बताने के लिए हमारे लोकल लोग इनको असिस्ट करने के लिए वहां पर रहते हैं। अच्छा, बिना उसके कोई हवाई किला और स्काई लैब हमको नहीं गिराना है, हमको तो अपने जो चुनाव में पारंगत लोग हैं हमारे, देखिए हमारे प्रधान जी जो है माननीय प्रधान जी हमारे बिहार में कितना बढ़िया उनका रिजल्ट रहा, जहां भी वो रहे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, संगठन की उनकी अच्छी भूमिका है, तो संगठन के लोगों को कैसे एक्टिव करना है, हमको पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक को कैसे एक्टिव करना है, कहां लगाना है, हमारे पूरे प्रदेश में जो 24 करोड़ जनता के बीच में हम क्या चीज पहुंचा पाए हैं और क्या हमारी डिलीवरी नहीं हुई है, ये वो लोग बताते हैं संगठन अच्छा, के ये, बड़े नेता। ये फॉर्मूला आपने अश्विनी जी ये फॉर्मूला पहली बार आप लोगों ने अपनाया कि 4.5 साल मतलब साढ़े वाला ये जो फॉर्मूला था ये कहां से आया और इसको करने की क्या जरूरत लग गई आप लोगों को? कि साढ़े वाला अब हम हो सकता है कि 4 साल पे भी हमने किया था, हमने 3 साल पर भी किया था, साल भर पे तो समझ आता है लेकिन ये जो साढ़े वाला था ना ये समझ नहीं आया फॉर्मूला, ये करने की क्या जरूरत थी? चुनाव के ठीक पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया, एक रिपोर्ट कार्ड लेकर हम 24 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक कर्मयोगी की सरकार है, एक अच्छे मजबूत हाथों में आपका नेतृत्व है, हम प्रदेश को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं, उसके लिए हम 4.5 साल का ये हमने रिकॉर्ड रखा और उनको हम जनता के सामने पेश किया, क्योंकि इस समय देखिए नितिन जी एक परसेप्शन जो है गलत फैलाया जाए, भ्रम जाल फैलाया जा रहा है विरोधी दलों के द्वारा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कुछ भी उनको दिखता है वो लपकने की कोशिश करते हैं, कभी उनको हाथरस दिख जाता है तो कभी उनको वैक्सीन दिख जाता है तो कभी उनको कोरोना दिख जाता है, तो ये सब चीजें दिखता तो वही मुद्दा है ना जो है, वो मुद्दे नहीं है नितिन जी, मैं वही कह रहा हूँ वो मुद्दे नहीं है और हर चीजों पर वो धाराशाही हो जाते हैं। अच्छा, वो धाराशाही हो जाते हैं, इसलिए वो जितनी चीजें करके भ्रम फैला रहे हैं जनता में, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, अखिलेश जी निसंदेह बड़े नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन लोगों का एक फैन फॉलोइंग है, इनके पास भी एक जनता का वोट है, वोट बैंक है, इन्होंने एक शब्द कहा, मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अभी भी जवाब नहीं देते हैं वो कि मैं नहीं लगवाऊंगा, सबसे अंतिम व्यक्ति मैं रहूंगा लगवाऊंगा, लेकिन उसका असर ये हुआ कि हमारे निकट के जिले बाराबंकी में 200 लोग पानी में कूद गए कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन फिर भी भला हो हमारे अधिकारियों का, हमारे डॉक्टरों का कि आज हम जो है 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगा चुके हैं, हम और आगे लगा रहे, पूरे देश में सबसे ज्यादा लगा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये भ्रम फैलाने की स्थिति जो होती है ना, उस भ्रम फैलाने के चलिए लिए तो मैं जवाब लेता हूँ आपके साथियों से कि भ्रम क्यों फैला रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जी, हफीज साहब ये बताइए, ये आप लोग क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और दूसरी चीज, बीजेपी ने जो ये दिल्ली से चीजों को इम्पोर्ट कर लिया है, नेताओं को इम्पोर्ट कर लिया है चुनाव की तैयारियों में, आप लोगों के पास नेता नहीं है बीजेपी कह रही है और इसीलिए आप लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते और इसीलिए आप लोग सवाल खड़े करते हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नेता नहीं है और इसलिए इनको जो है दूसरे जगहों से नेता बुलाने पड़ते हैं। ये चीज मैंने कही तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो कोई बात नहीं होती है, वो तो कहेंगे, वो कहेंगे क्योंकि माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, माननीय योगी जी को तो थोपा गया है प्रदेश पर, केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया, तो उनको बाद में हटा दिया गया और किस तरह का व्यवहार केशव प्रसाद मौर्य जी सहनशील बनिए, सुन लीजिए, टॉलरेंस रखिए थोड़ा सा, तो किस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद उनको हटा दिया गया। आज लोग किस तरह का उप मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनको स्टूल वाला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहते हैं, जिनकी जो है नेम प्लेट तक जो है पंचम दल से हटा दी गई थी, आज सही तरह से नहीं चला सकते हैं। गड्ढा भरने की उन्होंने बात की थी जब वो आए थे और कहा था कि 15 जून तक हम गड्ढे भर देंगे, आज 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं भरे गए क्योंकि उनको कोई पावर ही नहीं दी गई है किसी तरह की। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि ऊपर से नेता क्यों आते हैं, क्योंकि जो पूरी जो पार्टी
और इसलिए हर चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है। अच्छा। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ मोदी जी ने जिताया, जहाँ हार जाते हैं वहाँ प्रदेश पर जो है कि नेताओं पर ठेकरा फोड़ देते हैं। तो हम तो बहुत चुनाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, बिहार का चुनाव देखा, बंगाल का चुनाव देखा, और बंगाल का चुनाव में ये देखा कि कौन नहीं गया था, ये बताइए। आरएसएस से लेकर जितने भी जनता पार्टी के वो सारे के सारे बंगाल में लगे हुए थे, और पूरा का पूरा चुनाव जो है वो दिलीप घोष जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, अमित शाह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और जैसे ही हारते हैं चुनाव तो मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में उनके इर्द गिर्द एक सर्कल बना दिया जाता है, नहीं जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ये तो प्रदेश के नेताओं की वजह से हारे हैं। तो या तो आप उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ना छोड़ दीजिए, या फिर आप प्रदेश के नेताओं को सशक्त कीजिए। तो ये तो जवाब रहा कि इनके पास दिल्ली से नेता क्यों आते हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो दो ढाई लोगों में सिमट कर रह गई है, कोई भी लोकतंत्र नहीं है, सारे के सारे फैसले इनके दिल्ली से होते हैं। अच्छा। दूसरी बात की जो आपने कहा कि भ्रम फैलाते हैं, तो भ्रम फैलाते हैं या सवाल पूछते हैं? यदि हम आपसे पूछते हैं कि जो आपने 2018 में इन्वेस्टर मीट किया था और उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, जहां पर जो है वो काफी करोड़ों रुपए जो है आपने इवेंट मैनेजमेंट में लगाए थे, उसके बाद यदि विपक्ष आपसे पूछता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना रोजगार दिया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो आप कहेंगे भ्रम फैलाते हैं। यदि हाथरस में एक दलित बेटी के साथ इतना भीषण जो है वो एक हादसा हो जाता है, और वहां पर जो है एडी जो हैं पुलिस ऑफिसर्स बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि उनके साथ तो रेप हुआ ही नहीं, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कंफर्म होता है कि रेप होता है, तो पूरे का पूरा सरकारी अमला लग जाता है ये बताने में कि किस तरह से फॉरन की फंडिंग है, वहां के जो लोग आ रहे हैं वो फॉरन फंडिंग के आ रहे हैं, और पता नहीं किस किस तरह के इल्जाम लगाए गए थे सिर्फ इसलिए कि हाथरस का मसला छुप सके। अगर विपक्ष ये बात उठाता है कि परिवार की बगैर परमिशन से कैसे आपने उस पीड़िता का जो है वो दाह संस्कार कर दिया, और किस तरह से दाह संस्कार के रात में ये किसी से छुपा नहीं है, अगर हम ये पूछते हैं कि आपने 5 साल के अंदर 70 लाख जॉब देने का वादा किया था, तो क्या हम ये भ्रम फैला रहे हैं? यदि हम आपसे पूछते हैं कि आपने गन्ना किसानों का सभी जो बकाया था वो 14 दिन के अंदर अपने संकल्प पत्र में देने का वादा किया था, तो हम ये क्या भ्रम फैला रहे हैं? आपने गन्ना किसानों को छोड़िए, किसानों से आपने वादे किए थे कि उनकी इनकम डबल हो जाएगी, यानी कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी C+, C2+, 50% हो जाएगी, तो आप कहते हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में पूछते हैं कि 6.5 साल क्यों लग जाते हैं वो, और मुझे वो उद्घाटन जैसी स्थिति आती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि आपने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को दिया। अच्छा, ये बताइए सर, ये सपा कई सारे कार्यक्रम कर रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, व्यापारी सम्मेलन है, दलित संवाद है, संवाद से समाधान है, तो क्या ये इन लोगों को मना रहे हैं? क्या ये लोग नाराज हैं क्या कुछ सरकार से? नहीं, नाराज नहीं है, हर वर्ग में जाया जाता है, हर वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं। अगर उन वर्गों की समस्या लेके मैं समझता हूँ कि जाया जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि देखिए व्यापारी को अलग समझाना पड़ेगा कि किस तरह से नोटबंदी। तो ये लोग क्या बीजेपी से नाराज है क्या? कुछ ये लोग कुछ बीजेपी से नाराज है क्या? सारे वर्ग नाराज हैं। आज मुझे बता दीजिए कौन सा वर्ग खुश है? बीजेपी मानती क्यों नहीं है? वो कहती है कि बीजेपी वाले मानते नहीं है इस बात को, अश्विनी जी कहते हैं कि कोई नाराज नहीं है, उंगली अभी भी उठा रहे हैं वो। नहीं देखिए, कौन मान जाएगा? गलती करके कोई मानता है? अगर गलती करके उसे एक्सेप्ट कर लें तो ये लोग बड़े लोग ना बन जाएं, ये अच्छे लोग ना बन जाएं, लेकिन गलती करके मानते नहीं। इनके जितने भी MLAs जा रहे हैं उनका हर्ष क्या हो रहा है? इनके MPs को, इनके मिनिस्टर्स को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज कौन सा वर्ग खुश है मुझे बताइए? युवा वर्ग जो आज लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या उन्हें धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है अगर वो खुश होते? किस तरह से आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया गया, उनकी गलती क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो आपने आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया है और इसमें गड़बड़ी हुई है उसको आप सुधार दीजिए। इससे पहले जो है वो आशा वर्कर्स पे लाठीचार्ज किया गया, इससे पहले अनुदेशकों पर लाठीचार्ज किया गया, शिक्षा मित्रों का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया हम सभी जानते हैं, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को हमने जो है समायोजित किया था। इनकी सरकार आते ही उनके साथ क्या हर्ष हुआ है? आज करीब करीब 2,000 शिक्षा मित्र या तो उन्हें हार्ट अटैक हो चुका है या वो आत्महत्या कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमसे सब खुश हैं। अगर सब खुश हैं तो उस तरह से खुश होंगे जिस तरह से अभी एक एड निकाला गया था 4 साल पूरे होने पर, जहां बंगाल से जो है वो फ्लाईओवर रख लिया गया और अमेरिका की कंपनी एक गलती क्या हो गई विज्ञापन में आप लोग ने उसको मुद्दा बना रखा है। नहीं, गलती नहीं हुई है, अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करिए, वो तो पेपर पे डाल देंगे, पेपर बेचारे को जो है वो एड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इसलिए वो सारी गलती पेपर ने अपने ऊपर मोड़ ली, जबकि हमें पता है कि पेपर का कोई लेना देना नहीं होता है। सरकारी एड जो है वो संचार जो आपका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उससे जाता है, फाइनल होता है, वेटिंग होती है उसकी, और उसके बाद वो छपता है। ये बात अलग है कि आपने पेपर को प्रेशराइज किया, पेपर ने सारी गलती अपने ऊपर मोड़ ली। चलिए सर, मैं आता हूं। इसको भली बात जानते हैं कि एड जो है वो सरकार से जाता है फाइनल होके, तो किसी का काम कहीं पर दिखा रहा है।
ठीक सर, ये विकास है, ये विकास प्रदेश को देने का काम किया। जी जी मैं आता हूँ अब्बास हैदर, अश्विनी जी मैं आऊंगा सबकी बात ले लेते हैं फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। अब्बास भाई मुझे ये बताइए, ये जो बीजेपी आज से शुरू कर रही है, आज उनके जो केंद्र के नेता हैं, यूपी के प्रभारी हैं, उनको बुला लिया गया है और यहाँ पे वो बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ और जो बड़े नाम हैं दिल्ली के, वो भी अब आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और शुरू हो जाएंगे चुनावों की तैयारियों में, वो सब लग जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग के पास कुछ है फॉर्मूला या बस ये जो आप लोग एक प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं उसी यात्रा के भरोसे सब कुछ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता से सीधे जुड़ने के लिए, अभी आपको पता होगा एक जय भारत महासंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोगों से सीधे हम लोगों ने संवाद किया। हमारे नेता गांव-गांव जाके रहे, 35,000 से ज़्यादा गांव में रहे हम लोग, तो इस तरह के कार्यक्रम हुए। उसके बाद अभी आप देखिए प्रशिक्षण से पराक्रम करके एक हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसका दूसरा चरण अभी चल रहा है, जिसमें करीब करीब 30-35 हज़ार से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अब तक हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं और आगे 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। इसके साथ 12,000 किलोमीटर की जो यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी भी अभी आ रही हैं 5 जगहों पे, 5 चरण में यात्रा चलेगी। तो ये एक उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो देखिए 5 साल इनको दिए, लेकिन 5 साल में इन्होंने क्या काम किया, सवाल ये उठता है। जो भारतीय जनता पार्टी का 2017 में संकल्प पत्र था, अगर आप उसको उठाएं तो आप ये मान लीजिए कि 2022 में भी वही संकल्प पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे हुए हैं। जब ना 4.5 साल जब पूरे हुए हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उन संकल्प पत्र में जो जो चीजें लिखी गई थी वो लगभग सभी पूरी की गई। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए अच्छा। इन्होंने संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियां देने को कहा, आप देखें पहले होर्डिंग लगे कि 6-6.5 लाख नौकरियां दी गई, उसके बाद अब 4.5 लाख पे आ गए। जब हमारी पार्टी ने RTI में मांगा था कि 4.5 लाख नौकरियां किन विभागों में दी हैं, तो उसका इन्होंने दे दिया जब आपकी डेटा उपलब्ध नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ट्वीट किया कि लेखपाल की भर्ती इन्होंने करी, जबकि ऐसी कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में हुई नहीं। तो सिर्फ झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का इनका पुराना एजेंडा रहा है। इसके बाद अगर आप देखें जो किसानों का, जो गन्ना किसानों का कर्ज अभी बाकी है, जो उनका पेंडिंग है, वो भी इन्होंने नहीं भुगतान कराया। एक भी चीनी मिल के ऊपर इन्होंने किसी एक कर्मचारी को जेल भेजा हो, ना इंटरेस्ट का इन्होंने भुगतान किया, जबकि गन्ना एक्ट ये कहता है कि 14 दिन तक अगर आपने भुगतान नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना, एक पैसा भी सरकार ने इंटरेस्ट का भुगतान कराया तो बताइए। इन्होंने जो है कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, RTI पता चलता है कि आधों का भी कर्ज माफ नहीं होता है। तो सिर्फ छलावा है, झूठ है, होर्डिंग लगा देना। आप समझ लीजिए किसानों के लिए सप्लीमेंट्री बजट में 100 से 150 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि सूचना विभाग का बजट है, जो इनका प्रचार तंत्र है, मीडिया मैनेजमेंट जो इनका जो है आप समझ लीजिए मेन फोकस रहता है, उसके लिए 500-600 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट में दे दिए गए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहती है कि झूठ फैलाएं अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश की जनता आप जान चुकी है, अभी अब्दुल हफीज गांधी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हर जगह से इनके विधायक सांसदों को खदेड़ा जा रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी अगस्त के महीने में जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, तो उसमें सिर्फ जो नए मंत्री इनके केंद्र में साथ बने थे उनको ही भेजा गया। इन्होंने जो इनके भाई आपने 4.5 साल काम किया तो आप उन मंत्रियों को भेजते, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते जो उत्तर प्रदेश में पहले से बने हुए थे, मुख्यमंत्री जी को भेजते। इन्हें पता था अगर वो जाएंगे तो कहीं उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा, कहीं उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, तो इन्होंने उन नए लोगों को भेजा है जो नए बने। तो ये सीधा सीधा साफ है, ये चीज मुझे लगता है एकदम तस्वीर स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी भी खुद समझती है इस बात को कि इनका जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरह विफल हुआ है, कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जबानी बातें और झूठे वादे किए, उनको निभाया नहीं। चलिए ठीक सर, मैं आता हूँ। विनय जी मैं आपके पास आऊंगा, ये बताइए सब लोग सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोग सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं, आपने कुछ और रास्ता बना लिया और आप लोग कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दे देंगे, कैसे देंगे, क्या होगा, क्या तरीका है उसका? देखिए नितिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज आप देख रहे हैं कि 70-75 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ धर्म जात की राजनीति हो रही है। इसके पहले अभी आपने अश्विनी जी से जो सवाल पूछा था, पहले मैं उसका जवाब दे देना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बातों पे आता हूं। आपने उनसे कहा कि आप केंद्रीय मंत्री या दिल्ली से नेताओं को क्यों बुलाते हैं, आप मुझे बताइए। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिनमें 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री,
सारे सांसद, सारे विधायक, लगभग 300 से ज्यादा इनके नेता दिल्ली में लगा दिए गए थे चुनाव प्रचार में। और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करावल नगर विधानसभा में खुद पर्चे बांट रहे थे और बस की कंडक्टर की तरह पूरे दिल्ली में दौड़ दौड़ के शाहीन बाग चिल्ला रहे थे। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, अरे गृह मंत्री, और सुनिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली की जनता ने इनसे कहा चल भाग। ये केंद्रीय मंत्री तो ला रहे हैं, आप जी मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे बताइए ये उत्तर प्रदेश के जो इनके चेहरे हैं, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को ये अपना स्टार प्रचारक बना दे, जिन्होंने अपने भाई को जब लखनऊ के सड़कों पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी जा रही है पुलिस के द्वारा, और उन रोजगार मांगने पर उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, ऐसे वक्त में इनके शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी अपने भाई को फर्जी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं, तो हटा भी तो देते हैं। ये क्या उनको स्टार प्रचारक बना देंगे? आप ये बताइए, ये क्या महेंद्र सिंह को स्टार प्रचारक बना देंगे, जिन्होंने गांव-गांव में पाइपलाइन से पानी सप्लाई करने के नाम पर 30,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला कर लिया है? आप मुझे बताइए, ये क्या राम मंदिर के नाम पर जिन नेताओं ने एक मिनट में 18 करोड़ की, अच्छा ये सारे घोटालों की जो ये बताइए सारे घोटालों की जानकारी जो है वो आम आदमी पार्टी को ही क्यों मिलती, बाकी विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में उनको नहीं पता चलता है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, आप इस बात को समझिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार के नाम पर ये आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। आप मुझे बताइए, जब रामलला के नाम पर बन रहे मंदिर में चंदे के घोटाला होता है, माननीय सांसद संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके 20 मिनट बाद समाजवादी पार्टी का कॉन्फ्रेंस होता है, आपने उस समय अगर उस डेट आपको याद होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसके लिए एक कलेजा चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, और जनता के मुद्दों तो सपा के पास भी वो कलेजा नहीं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जो कलेजा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ संजय सिंह के पास है। आप मुझे बताइए, एक नेता के ऊपर 16 मुकदमे लगाए जा रहे हैं, एक नेता के ऊपर 16 मुकदमे लगाए जा रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा। मेरा भी तो सवाल लीजिए, सपा के पास और कांग्रेस के पास है कि नहीं वो कलेजा? देखिए, सपा और कांग्रेस का क्या है मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी, आप मुझे बताइए, जितने घोटाले उजागर हुए हैं, चाहे वो जल शक्ति का घोटाला हो, चाहे और राम मंदिर का घोटाला हो, चाहे वो सतीश द्विवेदी का घोटाला हो, चाहे वो कोरोना के नाम पर गैस सिलेंडर का घोटाला हो, वैक्सीनेशन का घोटाला हो, जितने घोटाले हुए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया है। और आप इस बात को जानते होंगे, 4.5 साल इस सरकार के हो गए, 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में घोटाले नहीं खुलते थे, 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में घोटाले खुलने लगे, क्योंकि अब ये समय नहीं रह गया तो है। मतलब ये सपा और कांग्रेस भी नहीं चाह रही, अब ये समय नहीं रह गया कि आप अपने हवेली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप जनता के बीच नहीं जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भी अब मुक्त बिजली के नाम पर रोड पड़ेगा, अच्छी शिक्षा के नाम पर रोड पड़ेगा, सस्ते स्वास्थ्य के नाम पर रोड पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर रोड पड़ेगा। आप मुझे बताइए, एक सरकार चल रही है, इस सरकार में एक मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति चलाया जाता है, और आपके महोबा जिले में एक महिला कांस्टेबल जो कि मिशन शक्ति में ड्यूटी करती है, वो आके गुहार लगाती है कि मुझे बचाइए किसी तरीके से, ये कौन सी मिशन शक्ति चल रही है उत्तर प्रदेश में? तो आपने देखा, पिछले 1.5 सालों से जब से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुई है, तब से आपको घोटाले दिखने लगे हैं। चलिए ठीक है, अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सबके सवाल आपने सुन लिए, सबकी बातें आपने सुन ली, अब आपके पास क्या जवाब? देखिए नितिन जी, सबने तीन लोगों के, तीन पार्टियों के हमने सुने, और तीनों का जो है हम जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सबको अलग अलग, जैसे गांधी जी से शुरू हुआ है, गांधी जी देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा टॉलरेंस में ही रहती है, कभी इनटॉलरेंस नहीं करती है, आपने बीच में कहा मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो क्षमा चाहता हूं उसके लिए। एक शेर है कि कहा जाता है कि जिसे चाहो वो मिल ही जाए, ये संभव नहीं है, हर अधूरी कहानी के पीछे पूरी कहानी होती है, ऐसे कुछ है, मैं पूरा नहीं कर अच्छा, पा ये पहले से तैयार तो करके आए थे आप क्या? नहीं, एक कुछ आ गया, पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे, नहीं मुझे लगा ये तो, हफीज भाई की बातें सुनने के बाद आपने लिखा है। लेकिन मैं अब हफीज भाई की बातों से शुरू करता हूँ। हफीज भाई ने जो कहा मैंने नोट किया, मैंने इन्होंने विज्ञापन सबसे शुरू किया और बंगाल तक गए, विज्ञापन पर देखिए किस तरीके से इन लोगों ने भ्रम फैलाने का अभी काम किया। अभी देखिए हफीज भाई एक पढ़े लिखे और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात इनको कहनी है, क्योंकि इन्होंने बात सही भी कहा
लेकिन उसको दूसरे तरीके से। जब इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने उसमें अपनी गलती को छाप दिया कि हमारे यहाँ से वो भूल हुई थी, ना ना तो ये कह रहे हैं कि विज्ञापन तो सूचना विभाग देता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सूचना विभाग ने दिया, वो सूचना विभाग ने दिया, लेकिन छापा किसने? वो अखबार ने 6 प्लेट बननी थी, उसमें 1 प्लेट गलत हो गया था, गलत चला गया था, बाकी प्लेटें रोक दी गई थी। ये वहां अखबार ने छापा था और अखबार ने बता दिया था ये भूल सुधार, लेकिन आज भी सभी लोग वही कह रहे हैं। अगर भूल हुई थी, दूसरा गांधी उस भूल में बनारस के गिरे हुए फ्लाईओवर की भी फोटो लग सकती थी, इतनी शानदार भूल। भाई ये कौन बोल रहा है बीच में? मैंने भूल इतनी शानदार बोला भाई, विनय है ये आप वाले जो आप लोग के घोटाले खोला करते हैं, इतनी शानदार भूल ये आप लोग, ये आपके जो घोटाले खोलते हैं वही है। मैं आपके पास जाने वाला था लेकिन मैं अब आपके पास ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक एक करके आइए, एक एक करके आइए, एक एक करके। हाँ बताइए भाई, अभी जो है आपने गिनाया हमारे दिलीप घोष के ऊपर चुनाव का ठीकरा नहीं फोड़ा गया, उनको उनको ईमानदारी और उनके पूरी कर्तव्य निष्ठा का 377 सीट ले जाने में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया, ये भी हम लोगों ने किया है। हाथरस कांड में जो आपने, हाथरस कांड तो आपको याद रहा लेकिन 2015 की वो घटना याद नहीं रही जो सीएम के घर के पास एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, उसकी जांच आज तक आप 4 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद आप लोगों ने 5 साल हो रहे हैं आपको, भी आपने भी आप, आप, आपको इस 5 साल में करवा देना चाहिए था सर, आप कहाँ है, कहाँ है आप लोग नितिन जी? 5 साल में मदारी चला रहे हैं कि सरकार बीच में आपका नंबर आएगा, जवाब जवाब तो लेने दीजिए, जांच नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं वो जवाब लेने दीजिए, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विनय भाई कि आप लोग ने जांच नहीं करवाई, 5 साल हो रहे हैं आप लोगों को, उसका मुकदमा हम लोगों ने लिखवाया है। अच्छा वो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा आ जाइए, ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को सुन लीजिए, कांग्रेस पर मैं बाद में आऊंगा। आम आदमी पार्टी ने जो है ये कुछ कह रहे थे, कंडक्टर वाली बात बता रहे थे कुछ दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ ना। अरे वो अब कंडक्टर को कहेंगे ही कहेंगे, देश के गृहमंत्री को कहेंगे आ जाओ बैठ जाओ भाग जाओ। इन लोगों का घोटाला इनको नहीं दिखता है, मार्शल भर्ती घोटाला पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से 2-2 लाख रुपए लेकर 15 अगस्त को ऑफिस खोला गया, 16 को ट्रेनिंग कराकर भर्ती कर ली गई और बाद में पलटू वाले ये कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, वो भर्ती खत्म हो जाएगी। दूसरा आइए, दिल्ली जल बोर्ड जो हमेशा फायदे में रहता था, 26,000 करोड़ का लोन लिया गया, उस पर बजटरी घाटा दिखाया गया है उसमें क्यों वो घाटे में चल रहा है, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तीसरी चीज आइए, पहले की सरकारों के द्वारा बनाए हुए जो अस्पताल थे छोटे छोटे दिल्ली पूरे शहर में, उसको रंग पोत के इन्होंने आम आदमी पॉली क्लिनिक का नाम दे दिया। कहां नया बनवाया, कौन सा स्वास्थ्य में वो किया, ये घोटाले हैं। मेरे पास जो है अभी एक और है, हाँ, पूर्वांचल के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट कटाकर आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं, इन लोगों की वजह से दिल्ली में आज भीड़ है। उन्हीं पूर्वांचलियों को बसों में भरकर, पहली जब कोरोना की लहर आई पहले साल, तो इन लोगों ने आनंद विहार के बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया था। ना उत्तर प्रदेश में रहिए भाई, अश्विनी जी मैं आपकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि आप आकाओं के एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में पुलिस हमारे अंडर में नहीं आपके अंडर में है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों ने जितने घोटाले किए हों, अगर आपने हिम्मत हो पकड़ कर उनको जेल में डालिए, नहीं तो यहाँ पे बैठ के अफवाहें फैलाने का काम ना कीजिए। आप मुझे बताइए, आप पहले जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, बस कंडक्टरी में घोटाला हुआ, फलाना हुआ, ढकाना हुआ है, कहाँ हुआ घोटाला, क्यों नहीं उठा के जेल में उनको डालते, क्यों नहीं उठा के जेल में डालते? 3 दिन पहले आपने अपने 3 पार्षदों को इसलिए निलंबित किया क्योंकि उन्होंने घोटाला किया था। ये आपके आपके सरकार और आपके संगठन ने माना कि हमारे पार्षदों ने घोटाला किया, इसलिए उनको आपने बीजेपी से निकाला और आप बता रहे हैं कि आप घोटाला कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा के जवाब ले लेते हैं? पूरी सरकार को जेल में डालते विनय जी, हिम्मत आप में? हाँ वो मैं जवाब ले रहा हूँ उनसे। हाँ बताइए अश्विनी जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए ये बेशर्मी की हद है, तिलक दीक्षित की सरकार थी और यही अरविंद केजरीवाल 2000 पन्ने लेकर लहराया करते थे, ये घोटाले हुए कॉमनवेल्थ में, क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, उसी के बल पे सरकार बनाया था। और दूसरे को ये लोग शिक्षा देने चलते हैं,
अरे अगर आईना देखना है तो पहले अपने देखिए, उसके बाद दूसरे को दिखाइए। अश्वनी जी 49 दिन की सरकार बनी थी, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, 49 दिन की सरकार बनी थी, 49 दिन की। अरे एक एक करके बात करिए भाई, एक एक करके सरकार चला रहे हैं ना, उस अंबानी के खिलाफ पहला मुकदमा लगा दीजिए। अरे एक एक करके बात करिए भाई, विनय भाई बोलने तो दीजिए उन्हें, छिल्ली दिल्ली में। अरे विनय जी बोलने तो दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए भाई, एक एक करके बात आप करेंगे ना, ना तो आप जवाब दीजिएगा अपने टर्न पे, अपने टर्न पे जवाब दीजिएगा भाई। अरे ना ना अपने टर्न पे जवाब दीजिएगा और मैं आपको सुनूंगा, अपने टर्न पे जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास, यहाँ पे बात आनी जरूरी है सबकी। हाँ बताइए अश्विनी जी। नहीं अब देखिए, अब ये बोलने नहीं देंगे हमको, इन्होंने अभी धमकी दे रहे हैं, एक बोलने नहीं देंगे, सुनूंगा। अरे भाई आपके पास 2-4% वोट भी नहीं है तब ये हाल कर रहे हैं कि नहीं सुनेंगे, तो जिस दिन जब वोट हो जाएगा 10-20% तो क्या करेंगे। अभी 2 महीने पहले जिला पंचायत के चुनाव में 10% सीटें मिली है आपको, 3100 सीटों में से 300 सीटें मात्र जीते हैं, और अगले 6 महीने में आपको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी। पर गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है सुनी जी। भाई क्यों भौंक रहे हैं बीच में, मत भौंक। अरे सर ऐसे नहीं, ये नहीं, एक दूसरे के लिए मर्यादा रखिए, एक दूसरे के लिए मर्यादा रखिए। नहीं मर्यादा में रखे, तब से चिल्लाए चले जा रहे हैं भाई, आप मना कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, मत करिए बस आप। ना ना एक दूसरे के लिए मर्यादा रखिए, आप प्रभु रामचंद्र जी के बन रहे मंदिर में चंदा चोरों से आप मर्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते नितिन जी। अरे वही तो जो चंदा चोरी करते हैं, जो रामचंद्र जी के मंदिर में दलाली खाते हैं, आप उनसे मर्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, आप चंदा चोरी के दलालों से आप मर्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। अरे कितने बड़े मर्यादित आप नहीं ना ना, ये दलाल वलाल जैसे शब्दों का यूज ना करिए भाई, दलाल वलाल जैसे शब्दों का यूज ना करिए। चोरों के दलालों से आप मर्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें नहीं, नहीं नहीं हमारी डिबेट में नहीं, ना ना हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल पे नहीं, ये सब चीजें नहीं। विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी शांत रहे, इन सब इन जैसे शब्दों का, इन जैसे शब्दों का प्रयोग ना करिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं तो नहीं बोलता हूँ किसी को, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूँ राज्यसभा सांसद का इतिहास क्या रहा सुल्तानपुर में, कहने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, मानहानि का दावा लगाया था अरुण जेटली जी के ऊपर, और माफी किसने मांगा था, पलटू वाल ने। अरे सर पलटू वाल नहीं, मुख्यमंत्री है वो, एक जगह के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो। देखिए अब अगला अगर नहीं रखेगा तो मुझे भी नहीं रखना है। अच्छा आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हो, विनय जी मुस्कुरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा। देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बोलेगा तो जवाब भी देना जानती है। चलिए अच्छा कांग्रेस के लिए भी कुछ कह रहे थे आप कांग्रेस के लिए भी कुछ कह रहे थे। दो शब्द कहूंगा, मुद्दे पे रहिए अश्विनी भाई। नितिन जी आपने कहा मैं मुस्कुरा रहा, सर मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। कांग्रेस ने कर्ज माफी पर सवाल उठाया, 36,000 करोड़ का कर्जा हमने पहली कैबिनेट में माफ किया था माननीय, आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल, आपने कहा कि 90 लाख लोगों से हमने संपर्क किया, आपके पास पूरे प्रदेश में 6% वोट है, 14 करोड़ वोटर है लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में, तो अपने सारे वोटरों से आपने संपर्क कर लिया, आपको साधुवाद, आप उतने में थे, उतने में हैं, उतने में रहेंगे। तीसरी बात, आपने नौकरियों की कही, इन नौकरी हमने 6.5 लाख कही, अब 4.5 लाख पर आ गए, आपको आंकड़ा मैं दे सकता हूं और आंकड़ा दिया गया है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां गांव गांव पर हर चौराहे पर हमारे मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र बांटा है, बाकी 6.5 लाख में जो बचा है वो संविदा पर दिया गया है। एमएसएमई की 50 लाख इकाइयां लगी हैं, जिसमें 1,80,00,000 रोजगार दिए गए हैं। प्रवासी मजदूर जो हमारे लौटे थे उनको मनरेगा से लेकर अन्य जगहों पर, सर ये 4.5 वाला जो आप लोग आंकड़ा बताते हैं, 4.5 लाख वाला जो बताते हैं, उनमें इन सब चीजों को भी जोड़ देते हैं क्या? किसको? नहीं वो सरकारी ये मनरेगा नरेगा सब जोड़ देते हैं क्या? फड़वा चलाना भी रोजगार है क्या? नितिन जी वो सरकारी नौकरी है, और अच्छा। उस नौकरियों का मैंने आपके चैनल पर एक दिन रखा था, आज भी बता देता हूँ कि हमने जो दिया था लगभग 1,41,000 पुलिस की भर्ती हुई है, बेसिक शिक्षा में 1,22,000 की भर्ती हुई है, स्वास्थ्य मिशन में 28,000 की भर्ती हुई है, ये मोटा मोटी मतलब एकदम सैकड़े पर नहीं जा रहा हूँ, लोक सेवा आयोग में 26,000 की हुई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,000 हुई है, परिवार कल्याण में 8,500 की भर्ती। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए, मैं आता हूँ ये बताइए अभी मैं हफीज भाई से बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग ये अलग अलग तरह के सम्मेलन कराने, व्यापारी सम्मेलन, संवाद, संवाद से समाधान, प्रबुद्ध सम्मेलन, दलित सम्मेलन, तो क्या ये लोग नाराज हैं क्या बीजेपी से? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई खुश नहीं है, आप कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं।
अब हफीज भाई ने कहा कि कोई खुश नहीं है, तो ये तो भाई ठीक है, वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो जरूर कहेंगे कि कोई खुश नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो है हम लेकर चले हैं और चलते रहेंगे। इसी नारे पर देकर हमने अपने पूरे प्रदेशवासियों को हमने मकान भी दिया है, हमने शौचालय भी दिया है, हमने उज्ज्वला भी दिया है, हमने उनके किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचाया है जो कि अभी पिछली सरकारों में नहीं पहुंचा। चलिए सर, मैं आता हूं। हफीज भाई, आपको जवाब मिला होगा जो जो बातें इन्होंने कही अश्विनी जी ने अभी साफ तौर पर, और उन्होंने एक प्रमुख बात ये कही कि आप लोगों ने जिस तरह से हाथरस की बात अभी आपने कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप अपना कार्यकाल भूल गए जब मुख्यमंत्री आवास के पास रेप हो जाता है एक बच्ची का और मुकदमा तक दर्ज नहीं होता, हमारी सरकार आती है तो मुकदमा दर्ज करती है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कह दिया कि जब से हम आए हैं उत्तर प्रदेश में राजधानी में, तब से इनके घोटाले जो है वो खोल रहे हैं, और जो पुराने लोग थे आप लोगों को उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि इनके घोटाले खोल सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये किस चीज का डर है जो ये लोग बता रहे हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो अश्विनी जी को मैं यह याद दिला दूं कि सेंगर मामले में पीड़िता को मुख्यमंत्री आवास के पास 2 साल से, उसके बाद गवर्नर हाउस के पास एक, आपने देखा कि 2 बड़े-बड़े जो है वो एनकाउंटर्स हो चुके हैं पुलिस के द्वारा, फेक एनकाउंटर्स हो चुके हैं और उस पर कोई आवाज ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती। अभी एनसीआरबी का डाटा आया है, बहुत दूर मत जाइए, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं पिछले साल 49,000 थे, इस बार 59,000 है। मैं ये नहीं कह, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा कह रहा है। अब अश्विनी जी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो बड़ा है तो पुलिस भी तो बड़ी है, आपके पास रिसोर्सेज भी तो बड़े हैं, आपके पास हर वो सुविधा है जिससे आप क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है? एनसीआरबी का डाटा मेरा डाटा नहीं है, ये जो है एक सरकारी संस्था है एनसीआरबी, वो कलेक्ट करती है, उसमें आप जाइए तो उत्तर प्रदेश नंबर वन है हर मामले में, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नंबर वन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इतना सिर्फ कह रहा हूं कि अभी देखिए आगरा में एक जहरीली शराब कांड हुआ था, जो इन्होंने हाथरस में किया वो वहां पर किया कि बगैर फैमिली के परमिशन के उन जो बेचारे लोग मरे थे उनका दाह संस्कार पुलिस करती है। ये पुलिस कब से करने लगी? ये कौन से धर्म में कहा गया है कि बगैर परिवार की अनुमति के आप दाह संस्कार कर सकते हैं? आपको अपनी सरकार की इमेज ज्यादा जरूरी है या परिवार के सेंटिमेंट ज्यादा जरूरी है, या वो जो ट्रेडिशन हमारी है जो सनातन धर्म की हमारी ट्रेडिशन है वो ज्यादा जरूरी है, या एक माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज ज्यादा जरूरी है? हर बार हम देख रहे हैं कि कितना पैसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज पर खर्च किया जा रहा है, शायद इतना पैसा अगर विकास पर खर्च किया जाता। मैं एक उदाहरण मात्र आपको दे रहा हूं, अभी राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटीज देश के अंदर बननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, लेकिन उसका पैसा बजट में एलोकेट नहीं किया गया। उसका पैसा कहां से लिया गया है? उसका पैसा एक सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से लिया गया है 100 करोड़ रुपए। वहां पर पहले ही वहां के कर्मचारी कह रहे हैं कि ये पैसा हमसे क्यों लिया गया है, सरकार को बजट एलोकेशन करना चाहिए था। तो टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, हमारे महापुरुषों को सरकार अगर सम्मान देना चाहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है सरकार तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन टोकनिज्म नहीं होना चाहिए महापुरुषों के, आपको बजट में एलोकेशन करना चाहिए। 2019 में आपने महाराजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद 2 बजट आप पास कर चुके हैं, सप्लीमेंट्री बजट भी आप पास कर चुके हैं और पैसे का एलोकेशन नहीं किया जाता, तो हम क्या मान लें? तो ये सिर्फ दिखावा मात्र किया जा रहा है। ये वो सरकार है जो मनरेगा को रोजगार करके दिखा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आपको पता है कि ये जो मनरेगा एक्ट है उसमें 100 दिन का रोजगार ये लीगल बाउंडेशन है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये बाध्यता है सरकार की, देना ही देना है आपको, और इसका पैसा केंद्र सरकार से मिलता है आपको, वो देना ही देना है, तो ये इसमें आपने नया प्रोवाइड कहां से कर दिया? उसको भी आप रोजगार करके दिखा रहे हैं जो कि हम सब जानते हैं कि वो टेम्पररी होता है। तो ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है, ये सरकार पूरी की पूरी जो है वो मीडिया के माध्यम से चल रही है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी 6 महीने बचे हुए हैं सरकार के पास, हम लोग जब आए थे तो हमने रिकॉर्ड पीरियड में 23 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया था, ये सरकार आई अभी 6 महीने बचे हुए हैं, अभी वो सड़कों में दरार पड़ रही है, वो कनेक्ट भी नहीं हुआ है पूरी तरह से। हमने लैपटॉप बांटने का काम किया, 18 लाख लैपटॉप इस प्रदेश के जो है युवाओं को दिए, इनके घोषणा पत्र में है कि हम जो है टैबलेट देंगे, 1 GB डाटा देंगे, कहां है टैबलेट? मुझे बताइए, 4.5 साल हो गए आपको,
तो ये सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि हमने सारी चीजें घोषणा पत्र में पूरी कर दी। आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धता गिना सकते हैं, लेकिन हम आपसे जब सवाल पूछने पर आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, ये जो है कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं इन्वेस्टर मीट में कितना पैसा आया बताइए, आपने 600 करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट कराने में दिया था और वहां बड़ी बड़ी बातें करके गए, आनंद महिंद्रा आए थे, बहुत सारे उद्योगपति आए थे, कहां पर इन्होंने प्लांट लगाए मुझे बताइए, कहां पर इन्वेस्टमेंट आया, और अगर इन्वेस्टमेंट आया तो कितना रोजगार आपने देने का काम किया, या आप मुझे बताइए। ये मुझे मत बताइए कि हमने यहाँ पर जो है वो जो है रक्षा का एक उत्पादन के लिए लगा दिया, सरकारी खर्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि कितना खर्च प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया जिसकी वजह से आपने वो आपने दिल्ली में किया एक इन्वेस्टर मीट, आपने बॉम्बे में किया, आप जगह जगह गए। आप सिर्फ मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए, आप जमीन को करकर आइए। हमने इस प्रदेश में जो है सारे जिला मुख्यालयों को फोर लेन से हमने जो एक्सप्रेस वे दिए, हमने वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम दिए, आपने उसका नाम बदल दिया। अच्छा, आप लोग चुनाव में पहले, चुनाव से पहले क्या तैयारी आप लोगों की है, चुनाव में जाने से पहले क्या आप लोगों ने रोड मैप बनाया हुआ है? देखिए, अभी हम अपना जो बूथ लेवल है वो मजबूत कर रहे हैं, हम बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अपने युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, हमारी अलग अलग यात्राएं कहीं ना कहीं निकल रही है, हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन का भी काम चल रहा है, और एक मजबूत और एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो भी सरकार की खामियां रही है वो हम पब्लिक के बीच ले जा रहे हैं। हाफिज भाई, ये आम आदमी पार्टी वाले ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि सरकार के जो घोटाले हैं उनको उजागर कर दिया जाए? हमारे देखा देखी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं उसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी की आदत पड़ चुकी है। हमारे देश में दो ही लोग मशहूर हैं, माननीय मोदी जी और माननीय केजरीवाल जी। तो सिर्फ बोलने से चीजें नहीं हो जाती। आप दिल्ली में बहुत कुछ बोले थे तो क्या हुआ, लोकपाल की आज बात नहीं उठाते हैं। सारा मूवमेंट जो है वो लोकपाल से शुरू हुआ था और आज लोकपाल जी की बात नहीं करते हैं। तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीरियस मत लीजिए, क्योंकि ना तो उनका कोई संगठन है। आज मुझे बता दीजिए क्या सबसे मजबूत किसी भी पार्टी की कड़ी होती है, वो बूथ होता है। इनको इनसे पूछ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बूथ हैं या एक विधानसभा में कितने बूथ होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कितने इनके मजबूत हैं। ये कैसे लड़ेंगे 403 पे चुनाव? वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जब संगठन नहीं है तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? सिर्फ मीडिया के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अब्बास, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ जवाब देना चाह रहे थे, क्या था वो जवाब, हम सब सुनना चाहते हैं। नहीं, देखिए नितिन जी, अभी जैसा अश्विनी जी बता रहे थे कि इतनी नौकरियां दे दी, तो आज CMI का डेटा है कि देश में सबसे ज़्यादा 45% में बेरोजगारी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ बेरोजगार युवक टहल रहे हैं, तो उनको तो नौकरी नहीं मिली। आप बता रहे थे आपके मंत्री चौराहे पे खड़े हुए नौकरियां बांट रहे थे, हमें तो ऐसा चौराहा ना दिखा, ना कोई ऐसा मंत्री दिखा जो नौकरी बांट रहा हो। आज की स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में, जैसे अब्दुल साहब अभी कह रहे थे, 21 राज्यों में 20वें स्थान पे है। आप समझिए कि 1045 MOU हुए थे, कई MOU के ऊपर MOU हुए थे इनकी जो इन्वेस्टर समिट में, उसमें 100 का भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हो पाया, और कितने 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ वो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतने इन्वेस्टर समिट्स हुए उत्तर प्रदेश में जगह जगह हुए। इसके अलावा आप देखें महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, तो उसमें कौन पार्टी खड़ी थी? कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी खड़ी थी, चाहे वो हाथरस रहा हो, चाहे वो आप कहीं भी रहा हो उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब असहाय ऐसे वर्गों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वंचित। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव से ऐन पहले अब्बा जान, भाई जान, चचा जान की बात करनी पड़ रही है। तो आप समझ लीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जान चुके हैं कि इनके पैरों के नीचे की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है और जनता इनको बुरी तरह से नकारने वाली है। तो कह रहे कि हमने शौचालय दे दिया, हमने आवास दे दिया, हम राशन दे रहे हैं। देखिए, कागज में तो सब दे दिया ना, ये आपको एक कहावत नहीं है कि जो है आप कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो इनका बस यही हिसाब किताब है भारतीय जनता पार्टी का। आंकड़े तो आज इन्होंने नंबर वन उत्तर प्रदेश में किया है, लेकिन अपराध के मामले में, हर प्रकार के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 33 राज्यों में 32वें स्थान पर सबसे नीचे, मतलब नीचे से नंबर 2 पे हैं आप प्रति व्यक्ति आय के, पर कैपिटा इनकम के मामले में। GDP को आपने नीचे ढकेल दिया, एक समय में नंबर 2 हुआ करती थी। अगर कांग्रेस पार्टी के समय में नोएडा ना बना होता, इंडस्ट्रियल एरिया UPSIDC ना बने होते, तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की GDP नीचे लुढ़क रही है ना, वो आज कहीं स्टैंड ही ना करती। जबकि इतने बड़े भौगोलिक चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके अब आने वाले दिनों में, क्योंकि लगभग आप जो रोड मैप है आप लोग ने अपना तैयार किया हुआ है जनता के बीच जाने का,
देखिए क्या है और वो जमीनी मुद्दे क्या है, ये सबसे अहम बात है कि जमीनी मुद्दे क्या होने वाले हैं। देखिए जमीनी मुद्दे, पहली चीज तो जो हमारा घोषणा पत्र है, हम लोग जन जन के बीच में जाकर के उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में जाके हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी लोगों से बात कर रही है, उनकी समस्याएं जान रही है और उनके जो इनपुट है उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज किसानों की है। आप समझ लीजिए साल भर से किसान बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनका उनके कर्ज माफी नहीं हुई है सही प्रकार से, उनकी जो है फसलों का सही समय पे भुगतान नहीं हो रहा है, बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो हर प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हुई है और यही मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए और उन्हीं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हम ऐसी धर्म और जाति और पंथ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, ऐसी डिविजिव पॉलिटिक भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें हाथों हाथ लेगी। ठीक है सर, ठीक है। विनय जी ये बताइए आप मुझे, भैया आप लोगों का संगठन ही नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है और आप बता रहे हम 403 सीट पे चुनाव लड़ जाएंगे। नितिन जी आपको पता है कि अभी एक हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 100 कैंडिडेट का ऐलान किया है, उसके पहले आपने देखा हजारों की संख्या में लखनऊ में हमने तिरंगा यात्रा निकाला, उसके बाद आपने देखा हमने आगरा में तिरंगा यात्रा निकाला, हमने नोएडा में तिरंगा यात्रा निकाला, हमने अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाला जिनमें भरपूर सहयोग मिला जनता का, और आगरा में तो ये हुआ कि हमारे 1500 कार्यकर्ताओं पर इस योगी सरकार ने मुकदमा कराने का काम किया, तिरंगा यात्रा के दौरान 1500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा यात्रा, तो वहां तो परमिशन नहीं थी ना आप लोगों के पास। आप मुझे बताइए तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कैसी परमिशन, अश्विनी जी बताएंगे ना, मैं क्यों बताऊंगा भाई? के हिंदुस्तान के तिरंगे को जिसको हम चूम कर सलाम करते हैं उसको निकालने के लिए अब हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, और परमिशन हम उनसे लेंगे जिन्होंने 52 साल तक अपने मातृ कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, अब उनसे हम परमिशन लेंगे तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। क्या क्या इन्होंने मतलब ये किस संविधान में लिखा है कि राष्ट्रवाद इनका है, तिरंगा यात्रा इनका है, प्रभु राम इनके है, हम अयोध्या चले जाते हैं खुजली इनको होने लगती है कि ये तो रामचंद्र जी के दर्शन करने चले गए, क्यों रामचंद्र जी हमारे नहीं है, हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा ठोक देते हैं, तिरंगा हमारा नहीं है। अरे तिरंगा के विरोधी तो ये 52 सालों तक रहे हैं, इनकी जो मात्र संस्था नागपुर में है वहां पर 52 सालों तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अच्छा, तिरंगा झंडा इन्होंने 52 सालों तक नहीं फहराया, जब इस बात को मीडिया में उठाई गई तब जाके अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। जी अश्विनी जी क्या कह रहे थे, फहराने लगे। देखिए नितिन जी, जिस का मुखिया ही खड़े होकर कहता है कि मैं एनार्किस्ट हूं तो उसके दल के लोग भी यही कहेंगे। इसके बारे में हफीज भाई ने बता दिया है, मुझे नहीं कुछ कुछ कहना इस पार्टी के बारे में, अभी संगठन खड़ा। अरे आप लोग इतना नहीं, आप तो अपने उप मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे ना, जो कहते हैं कि सीता जी टेस्ट क्यूब में भी है, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप अपने गोंडा के विधायक जी के बारे में बता दीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मणों को गाली देते हैं, आप उन्हीं के बारे में दो शब्द बता दीजिए। आप सतीश द्विवेदी के बारे में दो शब्द बता दीजिए जो अपने भाई को फर्जी नौकरी दिला देते हैं। आप महेंद्र सिंह के बारे में अच्छा बता दीजिए अश्विनी जी, मात्र महेंद्र सिंह के बारे में बता दीजिए जिन्होंने गांव में पाइपलाइन से पानी सप्लाई के नाम पे 30,000 करोड़ रुपए खा लिया। अच्छा आप अपने कृषि मंत्री के बारे में बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश, अच्छा ये रिपोर्टें आप लोगों को मिलती कहां, 18,000 करोड़ रुपए। अच्छा ये बताइए रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी घाटे में चल रही है, ये रिपोर्ट मिलती कहां से, 18,000 करोड़ रुपए घोटाले खा रहे हैं। अरे ये रिपोर्ट मिलती कहां से भाई आप लोग, रिपोर्ट हमको इसलिए मिल जाती है नितिन जी, मैं आपको कन्फर्म बताऊं, क्योंकि जो रिपोर्ट देने वाले उत्तर प्रदेश में भी अभी सत्यवादी लोग हैं और उनको लगता है कि अगर हम इन्हीं को देंगे पार्टी से भी क्या, ये उनको ये पता है कि रिपोर्ट कहां देंगे और रिपोर्ट कहां से उठाई जाएगी पार्टी से भी कुछ, और उनको ये चीज पता है कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इनके ईडी सीडी बीडी गीडी किसी से डरने वाली नहीं है। चलिए चलिए, जितने ईडी बीडी सीडी लगाने हो लगा ले, हम इनके मुद्दे उठाएंगे और इनके घोटालों को उजागर करने का काम करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में इनके घोटालों को उत्तर प्रदेश की जनता, बस जवाब ले लेते हैं, योगी बाबा बैठे हुए हैं, बस मैं आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश, अरे जवाब तो ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के विनय भाई जवाब ले लेते, समय बिल्कुल विनय भाई जवाब तो लीजिए भाई, अकेले बैठे हैं क्या आप, अकेले बैठे हम खत्म करने वाले, जवाब तो ले लीजिए। अश्विनी जी क्या कह रहे थे, उसके बाद मैं हफीज जी के पास जाऊंगा और 30-30 सेकंड में आप अपनी बात बताइए।
नहीं, मैं अगर मैं कह रहा था समय समाप्त हो गया हो तो निकला जाए, क्योंकि अकेले एक पैनलिस्ट को आपने बुलाया है जो बोल रहे हैं हर आदमी के बीच में, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं सर, तो हम लोग इनको सुने भाई, हम लोग भाषण सुनने नहीं आए किसी का, और बड़े ईमानदार बनते हैं और बड़े वो करते हैं, तो माफी क्यों मांगते हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने और इनके संयोजक ने वहाँ भी दिखाना चाहिए कि हम धर्मात्मा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के साथी ने पर कैपिटा इनकम की बात की, 16-17 में हमारे यहाँ 15-16 में 47,000 थी, 94,000 है, हम लोग बढ़ा के ही। चलिए चलिए सर, चलिए मैं आता हूँ, चलिए मैं आता हूँ। मैं हाफिज भाई, अब आखिरी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि अब क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में आप लोगों की? पूरी तरह से तैयार हैं हम, चिंता के संगठन जो है वो सशक्त है, मजबूत है, और लोग हमारी तरफ निगाह टिकाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2022 से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सरकार जो है वो हर मोर्चे पर विफल नजर आती है। किसानों का जो गन्ना किसानों का इन्होंने 3 साल तक भाव नहीं बढ़ाया, जब आज किसान इनसे नाराज नजर आता है तो आज ये भाव बढ़ा रहे हैं। गेहूं पे जो है इन्होंने 40 रुपए भाव बढ़ाया है, और पिछले एक साल में डीजल पे 25 रुपए बढ़ जाता है, तो 40 पैसे प्रति किलो भाव बढ़ाकर आप किसान को रिझाने की बात करते हैं, किसान आपके झांसे में नहीं आने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार मैं समझता हूँ कि इनकी जो सत्ता से उखेड़ने का काम यदि कोई करेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन और ये सारे मुद्दों पर चर्चा क्यों हो रही है जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए नहीं है। असल मुद्दा किसान है, असल मुद्दा बेरोजगार है, असल मुद्दा महंगाई है, असल मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे घर से जुड़ा हुआ है, हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर चर्चाएं नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है प्रबुद्ध वर्ग से लेकर, चर्चा हो रही है मंदिर मस्जिद को लेकर, चर्चा हो रही है राशन और भाषण को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर इस बार का वोट आप मत दीजिएगा, आप इस बार अपना वोट अपने मुद्दे पर जरूर दीजिएगा। आज की डिबेट में इतना ही, मधुजन मती, नमस्कार।